बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वीडियो क्लिप में आपको अगले 10 दिनों के 3 मई से लेकर 12 मई की मौसमी सूरत हाल से आगाह किया जाता है। देखें, ये बारिशी सिलसिला जो है तो अपने इख्तिताम की तरफ जा चुका है। अगले हफ्ते गर्मी बढ़ जाएगी। आज पंजाब के पीके और बलोचिस्तान के कुछ इलाकों में बादल जरूर मौजूद रहेंगे, लेकिन मामूली फुहारा है। ये बकरी टाइप का मौसम बना हुआ है, मौसम इसके अंदर ना मानसून की खुशबू आ रही है, सुभान अल्लाह। देखें, कल 4 मई को जो है ना वो लोग के बेशतर इलाकों में मतलब साफ रहेगा, लेकिन शाम को डेरा इस्माइल खान थाल एरिया में जो है ना डेवलपमेंट होगी, खासतौर पर भक्कर मियाँ वाली लई और फतेहपुर चौक आदम साइड में जो है ना, यहाँ हत्या के ये 18 तारीख तक जो है ना ये 4-5 मिलीमीटर बारिश होगी। तो जस्ट मौसम ही ठंडा होगा। तो शोरकोट, मुल्तान, बहावलपुर में भी मामूली बारिश का टच जो है ना ये लग सकता है। 5 मई को सिर्फ बलूचिस्तान के कुछ इलाकों में और 6 को जो है ना केपीके में कुछ बारिश हो सकती है, बल्कि 6 मई को शिमाली पंजाब के पोठोहार रीजन में जो है ना हल्की बारिश से खिते का मौसम, पूरे इलाके का मौसम जो है ना बस्ती हो जूंगी पंजाब तक, ये मौसम तो ठंडा ही रहेगा 6 मई को। 7, 8 और 9 मई को जो है मतलब साफ रहेगा मौसम, जो है ना ये मुतदल रहेगा, गर्मी में ना तदरीजन अजाफा होना शुरू हो जाएगा। 10, 11 और 12 तारीख को टेम्परेचर बढ़ता हुआ फैसलाबाद और बस्ती पंजाब में जो है ना गर्मी शुरू हो जाएगी, टेम्परेचर जो है ना 40 के राउंड अबाउट, और जबकि जनूबी पंजाब में जो है ना भावलपुर साइड में 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक, बल्कि सिबी और जैकबाबाद जो है ना वहां पे 44, 45 और 46 तक जाएगा और मौसम अपनी असलियत की तरफ चला जाएगा। तो यानी कि बिजली के लोड शेडिंग वगैरह का रोला जो है ना वो शुरू हो जाएगा।